हाल चाल आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बाहर नाश्ता करने, तो हमने सोचा है हलीम नान खा ले, है ना। तो अभी हम बाहर जाएंगे और थोड़ा काम है, बिल जमा करवाना है। और क्या करवाना था? पीटीसी वाला इलेक्ट्रिक का बिल है, वो सब जमा करवाना है। तो वो जमा करवाएंगे, उसके बाद पहले नाश्ता करेंगे, फिर वो करेंगे, ठीक है। तो अभी आप हमारे साथ रहे और बने रहे, और कहीं पर मत जाना, यहीं पे रहना और देखते रहना मेरे सारे व्लॉग भी जाके वॉच करें, ठीक है। थोड़ी देर तक अभी वापस मिलते हैं हम आपको गाड़ी में, गाड़ी में मिलते हैं। तो अब हम निकल गए हैं, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है। मैंने मास्क पहना इसलिए क्योंकि डस्ट बहुत है बाहर, तो फिर वो उससे डस्ट से ना एलर्जिक होती है, तो छींक वगैरह आती है। और वैसे भी पहनना चाहिए, कोरोना चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क उतार दें। तो कहते हैं अभी हम जा रहे हैं। अब मैंने हिफ्ज़ा को, आज मैंने हिफ्ज़ा को पीछे बैठा दिया। अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे वुड को लेने, वुड को लेकर डॉक्टर के गए थे। रास्ते में झटके बहुत आ रहे हैं। वुड को लेकर गए थे डॉक्टर के, उसके बाद उसकी जो डॉक्टर ने बताया उसकी तो पूछल पे ना कोई ना नोकदार ब्रीक सी कांटेदार चीज़ लग गई। तो हमें याद आया हाँ ये तो कमरे की जाली इसने फाड़ दी थी, किचन की भी, किचन की भी। अब उस जाली से निकलता खुद ही चला जाता है, तो उसको बंद भी रखते ना वो, फिर भी उसने इस तरह से फाड़ी है कि वो खुद ही निकल जाता। तो वो उसमें से निकल के जाता है, तो वो जो ब्रीक ब्रीक पतरी टाइप होती है ना नॉक टाइप, वो जाली लग जाती है, तारे जाली, तारे जाली की लग जाती है। तो कहीं पूछल पे लग गई है, तो वो पूरी पूछल पीप में भर गई है। डॉक्टर ने कहा है वो पूरी पूछल पीप में भर गई है, हमें बहुत अफसोस हुआ। तो अब डॉक्टर ने ये कहा है कि वुड को हमने बोला कि मिक्स ब्रीड है, तो उसने बोला डॉक्टर ने नहीं, आपको किसने कहा ये मिक्स ब्रीड है? ये मिक्स ब्रीड नहीं है, ये टाइगर की नस्ल में से आ रही है। तो उसमें ये लोग जो टाइगर वगैरह भी होते हैं और जो इनकी नस्ल होती है वो ये बहुत मोटी होती है, अपने मूड पर डिपेंड रखता है इनका क्या खाना, क्या सबसे अलग खाते हैं, सबसे अलग मतलब खाना पीना भी बिल्लियों की तरह सबसे अलग है। जो पर्शियन वगैरह बिल्लियाँ होती हैं वो ज़्यादातर नहा लेती हैं, अच्छी तरह से नहा लेती हैं, लड़ती नहीं, गुस्सा नहीं करती। पर ये वाली बिल्लियाँ तो बिल्कुल नहाना पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। तो डॉक्टर ने बोला ये टाइगर की नस्ल से है, तो हम बहुत खुश हुए। तो हमने कहा हाँ, इसीलिए ये हमारी बात ना सुनता नहीं है, अपनी मर्जी होती है तो सुनता, कान बहरे कर लेता, नहीं तो पानी भी फ्रेश पीता ना। तो सॉरी आपको झटके लग रहे होंगे, मोबाइल ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि झटके की वजह से। वो ऐसे किथे जाना, तो पहली बार पंजाबी बोली है, ऐसे किथे जाना ना ही बोलती है। तो अभी हम हलीम खाने जा रहे हैं, तो बस पहुंच ही गए हम तकरीबन, पहुंच ही गए। उसको कह रहा मुझे भी दे, मुझे भी दे। तो ये अब निकल गए हम, बिल्लियाँ भी रास्ते में आ गई, हम रुक के उनको देखने लग जाते हैं, हमारा तो यही काम है भाई। तो अब हम पहुँचते हैं ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नान और हली। अगर जी पहले बात कर लो ना पूरी खड़े, ओके ठीक है चलो। ये हलीम खाने आए हैं, यहाँ पे हलीम की जगह है, यहाँ बैठेंगे ना। बैठ के हमने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर किस चीज़ का दिया हमने? हलीम का दिया, और दूसरा कौन सा बनाया? सब्जी, सब्जी तो है नहीं इनके, कोई और नाम ले रहा उसका। चिकन लेके ना, हाँ चावल, सब्जी के, सब्जी के चावल। अच्छा स्टीम चिकन है और सब्जी के चावल। अच्छा तो अभी खाना आता है ना, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं तो सिर्फ हलीम खाऊंगी भाई, मैं हलीम खाती हूँ ज़्यादा, राइस मैं खाऊंगी, जा राइस मैं मुझे पाउडर लेके ना। तो अभी खाती हूँ। आगे आप खाना, ठीक है। इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च डालेगी, ये रहा इसका स्टीम चिकन, ये रहे सब्जी, राइस, वो हलीम नान। यार टेस्ट
आ गए जल्दी शाम को, ये खुलता सारा ना। चलो खा लो, इसको कहा ना गर्म खा के दे। सब्जी फ्रेश लग रही है मुझे, चावल फ्रेश भी ठंडे हैं। आप अपनी पसंद की ही जगह पे आइयो, हमने लेकर आए ना। खा लिया खाना हलीम, मुझे बस सही बस थोड़ा सा ही था, अच्छा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। खा लिया, अब हम निकलने लगे हैं। खा लिया है, निकल लिया है, मेरा बैग निकल रहा है, आगे बाहर हम शाम का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। बस ठीक ही लगा मुझे, कुछ खाना इतना कुछ मजे का नहीं था मुझे, बस ये पीछे इनके पास अब निकालने लगे हम गाड़ी, गाड़ी में बैठ के मैं आपसे बात करूँगा। हम बिल जमा कराने आए थे, पर सिस्टर कहती है पहले मैं गाड़ी का ऑयल चेंज करा लूँ, और अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर हम टाइम ले लेते हैं अपॉइंटमेंट, तो फिर कल आके करा लेंगे। तो मुझे गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हुए बहुत होती है, मैं बोर हो जाती हूँ इतनी देर बैठ बैठ के तो अब मगरिब का टाइम हो गया है, तो अजान भी हो रही है, तो अभी देखते हैं बिल जमा कराते हैं या गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हैं। जी फ्रेंड, ये अब ऑयल चेंजिंग के लिए मैंने रास्ते में कहा ऑयल चेंजिंग करा लो, तो ये ऑयल चेंज करवा रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आए हैं जाना बैठी है। जब भी आते ना मैं बैठी हुई, मेरे कंधे दर्द होने लग जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं, मैं बहुत थक जाती हूँ। हाँ तो मैं इसको कह रही हूँ वेले बैठ बैठ करते ना, इनकी बोतलें साफ करो, उठ के आपका टाइम भी गुजर जाएगा, उनकी बोतलें भी साफ हो जाएगी। ऐसा आइडिया है बहुत बुरा। तो अभी बैठे हैं, बस गाड़ी धुल गई है, बस उसको साफ कर रहे हैं, गीला जो हुई है ना गाड़ी उसको खुश कर रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं, फिर बिल जमा कराते हैं, फिर बहुत देखते हैं कहाँ जाना है, फिर कहीं चौथा याद आ जाएगी, चौथा काम इनको काम ही बहुत होते हैं, क्या करें। चलो फिर मिलते हैं। मैंने करा लिया था ऑयल चेंज, तो अभी साथ ही ऑयल चेंज के साथ ही ना आती है मार्केट PTCL का बिल जमा कराने की, तो हम यहाँ पे बिल जमा कराने आ गए हैं, तो अब अंदर जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे कराते हैं। ये हमने PTCL का बिल जमा कराया, नीचे आप देख भी रहे होंगे, PTCL लिखा हुआ है, और ये हम इसके ऑनलाइन बिलिंग जमा करा रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें देगी रसीद, वो हमने लाजमी लेनी है। ओके ओके करो, प्रोसेस्ड करो। हाँ जी दिखाओ, ये हो गया हमारा बिल जमा। टेलीफोन नंबर आ रहा था इसलिए मैंने पीछे कर दिया। ओके डन हो गया। अब हमने क्या कराने जाना कराना फिर? अब हमने कराना है बिजली का, इलेक्ट्रिक बिल जमा करवाना है, उसके बाद फिर हाँ। अब ये बिल जमा करा के सीधा ले आई हैं इचरे, कहती इचरे से शॉपिंग करनी है, अंधेरा इधर नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, तो अभी हम अंदर जाते हैं दुकान में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने खाए हैं पटूरे, हिज्जा ने खाए हैं पटूरे, ये हिज्जा बैठी है पटूरे खा रही है, इसने खा लिए दियो दियो। तो अब हमने खा लिया, अब हम जा रहे हैं, इसने ये शॉपिंग किया, दो शॉपिंग बैग भरे हुए, हमने नहीं दिखानी नहीं दिखानी ठीक है नहीं दिखानी। तो मैं घर आ गई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत आज बहुत बिजी रहे था, सारे काम कर लिए घर के, बोला भी नहीं जा रहा। तो अब कल मिलते हैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तो मैं कपड़े चेंज करूँगी, मुँह हाथ धोऊँगी, बुट को खाना वगैरह दूँगी, उसके बाद कल मिलते हैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।